मेरे साथ आज पास्टर बिली ग्राहम है, इनका ताल्लुक एफजीए चर्च जड़ावाला से है। भाई साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जब ये 16 अगस्त का वाकया रोनुमा हुआ, तो इसने आपकी खानदानी, आपकी जाति और क्लिसाई जिंदगी पे क्या असर डाला? शुक्रिया। मेरा नाम पास्टर बिली ग्राहम है। जिस तरह मेरा तारफ हो चुका है, 16 अगस्त का वाकया जो है जड़ावाला की तारीख में एक बड़ा अलमनाक वाकया है, क्योंकि जड़ावाला एक पुरअमन शहर गर्दाना गया है। मैं भी अमन कमेटी का 2011 से मेंबर हूँ। इस लिहाज से जो सीएससी की तरफ से जो 4 तहसीलें हैं फैसलाबाद की, जिसमें जड़ावाला की सबसे बड़ी तहसील है, जब भी हम इकट्ठे होते क्रिश्चियन मुस्लिम दोस्त और दीगर मकतबा फिक्र के लोग, तो जब जड़ावाला के बारे पूछा जाता तो यही रिपोर्ट सामने आती है कि जड़ावाला एक पुरअमन शहर है। लेकिन ये 16 अगस्त का जो वाकया हुआ है, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसमें एक बहुत बड़ा मनफी इसका जो अक्स है वो दुनिया के सामने आया है। तो इस लिहाज से मैं बतौर खादम इस बात के लिए जो मेरा चर्च एफजी और मेरा साथ रहायश पास्टर हाउस है, उसे बुरी तरह जो है वो लूटा भी गया है और जलाया भी गया है। नुकसान तो पूरे हो रहे हैं, पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो इसके असरात बच्चों के जहनों पर हैं, फैमिलीज के जहनों पर हैं, हमारे चर्चिज और कलीसियाएँ जिस तौर से अभी मुतासर हैं, उसकी फ़जा जो है अभी जहनों पर उसके अक्स जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसा तक जो है वो नक्श रहेंगे। इसकी वजह यह है कि जॉबलेस लोग हो रहे हैं और जो हमें फॉरनर एड मिल रही है, यानी कि राशन की सूरत में दिगर घरेलू ज़रूरियात की वजह से लोगों का टोटली फोकस इसी तरफ हो गया कि हमें अभी जॉबलेस हैं, तो हमें जो फाइनेंशली हेल्प मिल रही है, ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल की जो पहुंच रही हैं, हम इसी पे इक्तफा करें। जबकि मैं चाहता हूं कि हमारा वही रहन सहन दोबारा से बहाल हो, उस पर जितनी अमन के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, गवर्नमेंट है, उसे इस पर फोकस करना चाहिए। कल भी DSP के हाँ हमारी खादमों की मीटिंग थी फैसलाबाद में, जो एक मस्जिद में उमल मदारस में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, उस सारी कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर जोर दिया गया कि हम एक अमन वाक आने वाले दिनों में क्रिश्चियन मुस्लिम जितने स्कॉलर्स हैं, मौलाना हजरात हैं, खादमीन हैं, बिशप सतह पर, वो एक शहर के अंदर एक अमन वाक जो है वो हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में आप तक रिपोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सो मेरी दुआ भी है, उम्मीद भी है कि अमन बहाल हो और जो डिप्रेशन के नीचे अभी लोग हैं उसमें से वो निकल सके। शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, हमारे चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके आपके चर्च के लिए, लेकिन ये एक इब्तिदा है। हम जैसे आपने बोला कि अभी बहुत सारे मुश्किल मराहल हैं जिनसे गुजरने, तो आप यकीन कर रखें कि हम मसीही होते हुए और मसीह में एक जिस्म होते हुए हम पूरी तरह आपके साथ, और कोशिश करेंगे जहाँ तक आपके साथ खड़े हो सकें, हम फाइनेंशियली हम दुआओं में आपके साथ मुतहद रहें, और जहाँ पे आपको हमारी जरूरत हो आप कॉल करें तो हम आपके साथ मुतहद हों। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।